Myself, Dr. Sanjay Jain, Associate Professor and Head, Botany Department, Human Services. आज मैं आप लोगों को वाटर रिलेशन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दूंगी. वाटर रिलेशन मीन्स हमारे प्लांट में जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है इट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से होती है. वाटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब इसमें सब चीज जो है वो सॉल्युबल हो जाती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. इसलिए यह सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए एक मीडियम का काम करता है. हमारे प्लांट में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं दे टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम और एक्वा मीडियम. वाटर का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें प्लांट में देन वाटर का जो हाई अमाउंट होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज या लीव्स में होता है, या वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है एंड इट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड देन टू लीव्स. लीव्स में वाटर जो है ट्रांसपायर होके वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. ऑल्दो ट्रांसपिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए बिल्कुल एक वेस्टफुल प्रोसेस है बट इट इज अनेसेसरी इवेंट. ये प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है बिकॉज इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट. प्लांट में इसका कूलिंग इफेक्ट भी होता है एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑल द सॉल्युबल सब्सटेंसेस. सारे जो प्लांट के वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है. प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट का अमाउंट बहुत कम होता है और प्लांट को सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं देन वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से वाटर एंड देन इट जर्मिनेट. ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज. प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है चाहे न्यूट्रिएंट्स हो चाहे हार्मोन्स हो चाहे और कोई नेसेसरी मटेरियल्स हो वो हमेशा वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है एंड दीज वेस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का एंड मिनरल्स का और फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विच आर सिंथेसाइज इन लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आप लोग जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जो कि हमारे ग्रीन टिश्यूज करते हैं चाहे वो लीव्स में हो चाहे स्टेम में हो, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स मोनोसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड्स में ट्रांसफर हो जाते हैं वो बनते हैं. वो सारे जब बनते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा फ्लोएम के थ्रू. फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है, बाई डायरेक्शनल दैट इज फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स. जैसे लीव्स से हमारे जहां भी फूड को स्टोर होना है जैसे आप लोगों ने देखा है पोटैटो है जिसमें स्टार्च स्टोर होती है तो फॉर्मेशन उसका लीव्स में होता है लेकिन वो जाके जहां भी स्टोर होना होता है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है. और या फिर जब हम किसी चीज को जर्मिनेट करते हैं तो ट्रांसपोर्ट होता है स्टोरेज ऑर्गन से वापस ग्रोइंग पार्ट से. जैसे सपोज हमें कोई आलू को जर्मिनेट करना है तो आलू को जैसे ही हम जर्मिनेट करते हैं तो उसका स्टार्च जो है वो सॉल्युबल शुगर में चेंज हो जाता है और फिर जो भी स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम है वहां पे पहुंच कर वो अपना सारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है. इसलिए फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों तरफ से होता है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाई डायरेक्शनल. वाटर रिलेशन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट होता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है.
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है आइदर इट इज विद इन द सेल, सेल के अंदर, या फिर वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरी सेल में। जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो या तो पैसिव होता है या एक्टिव होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है देर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। सो वो कैसे होता है? इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो सांद्रता प्रवणता की तरफ से होता है, जहां अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट इज डिफ्यूजन और फैसिलिएटेड डिफ्यूजन, या तो वो विसरण या फैसिलिएटेड विसरण, दो तरह का। अब आप देखिए व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आइदर गैसियस मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। हालांकि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्यूजन को मैं थोड़ा डिटेल में आप समझाऊंगा। नेक्स्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर हम सांद्रता के अगेंस्ट में चलते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे हम किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हम चाहे साइकिल चलाओ या हम पैदल चले, हम हांफने लग जाते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चलना होता है तो वी नीड मोर एनर्जी। हम हांफते इसलिए हैं क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत जरूरत है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट यूज मेटाबॉलिक एनर्जी, इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत है। तो इस लेक्चर में मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया है। वाटर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट्स का, क्योंकि एक सेल में नियर अबाउट 70% वाटर होता है, एक कोशिका में 70% वाटर पाया जाता है, इसलिए सारी सेल की एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन वाटर। आप देखिए जैसे गर्मी में तरबूज खाने को बहुत कहा जाता है, क्योंकि वाटरमेलन और तरबूज जिसमें 95% वाटर होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने से 5 times वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आप देखिए मस्टर्ड है, मस्टर्ड प्लांट है, वो अपने से 5 गुना जो उसका वेट होता है उससे 5 गुना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट है जो कि 5-5 liter वाटर जो है एब्जॉर्ब कर जाते हैं, लेकिन वाटर जो कि बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। वाटर प्लांट में एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करता है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जरूरी है, ये सारी चीजें मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में समझाऊंगी। थैंक यू।